ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो 650 मिसाइलें यूक्रेन को देने जा रहा है। ये खबर उस वक्त आई जब रूस ने अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दी कि वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की हथियार सप्लाई वाली रणनीति ने पुतिन को ऐसा प्लान बनाने का मौका दे दिया है जिससे लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मची हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। घर, जान, जमीन, जंगल, पुतिन ज़ेलेंस्की के देश यूक्रेन को मिट्टी में मिला देने पर तुले हैं। लक्ष्य यह है कि यूक्रेन में कुछ भी साबुत नहीं बचे, जर्रा जर्रा राख में तब्दील हो जाए। पिछले 2.5 सालों के युद्ध में रूस का यूक्रेन के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। करीब 200 मिसाइलों और ड्रोन के जरिए रूस की फौज यूक्रेन पर टूट पड़ी है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 44 ड्रोन और 2 मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने रूस के 44 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की का दावा है कि 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के बाद से पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ हमलों में कमी आई है। सिरिस्की के दावे के मुताबिक 6 अगस्त के बाद रूस की सेना यूक्रेन के पोक्रोस्क में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। ज़ेलेंस्की के जनरल के दावे की हकीकत क्या है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यूक्रेन के लवीव में जिस तरह से रूस की सेना आग उगल रही है, इसे देखकर नहीं लगता कि यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर रूस की सेना सहमी खड़ी है और 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रही है। मॉस्को से लंदन की दूरी 2896 किलोमीटर, मॉस्को से वाशिंगटन डीसी की दूरी 7816 किलोमीटर, मॉस्को से वारसा की दूरी 1264 किलोमीटर, मॉस्को से कीव की दूरी 864 किलोमीटर। पुतिन के रडार पर 4 देश एक साथ, न्यूक्लियर पावर से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों से पुतिन करेंगे प्रहार। 12 बार धमकी दी, अब की बार 4 देशों की कैपिटल एक साथ परमाणु बम से तबाह। पुतिन का प्लान तैयार, फाइनल फैसले का इंतजार। पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। पुतिन के बार बार मना करने के बावजूद ब्रिटेन यूक्रेन को नए हथियारों की खेप देने जा रहा है। पहले उन हथियारों की डिटेल देख लीजिए कि ब्रिटेन यूक्रेन को अब की बार कौन कौन से हथियार देने जा रहा है, उसके बाद दिखाएंगे कि पुतिन ने लंदन को तबाह करने की क्यों खाई तीसरी कसम। ब्रिटेन यूक्रेन को 650 मिसाइलों की खेप देने जा रहा है। ये मिसाइलें बहुदेशीय हैं, मतलब जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से लॉन्च की जा सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 6 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की तैनाती का मकसद होगा यूक्रेन को रूस की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाना। युद्ध में ब्रिटेन अमेरिका के बाद यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी देश है। ब्रिटेन ने हर कदम ज़ेलेंस्की का साथ दिया है। पुतिन की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए ज़ेलेंस्की को जब भी हथियारों की जरूरत हुई ब्रिटेन सप्लाई करता रहा है। जर्मनी में बैठक के दौरान ही इन मिसाइलों की सप्लाई का फैसला ब्रिटेन ने सुना दिया था, लेकिन 650 मिसाइलों की पहली खेप बहुत जल्दी करने के बावजूद 2024 के आखिरी महीने में ही यूक्रेन में तैनात हो पाएंगी। ब्रिटेन टैंक, वायु रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी की सटीक मारक मिसाइलों सहित घातक और गैर घातक दोनों तरह के हथियार मुहैया करा रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हजारों जेवलिन और एनलो एंटी टैंक मिसाइलों की आपूर्ति की है। 600 प्रीमिस्ट्रॉन
एंटी टैंक मिसाइल, 14 चैलेंजर टैंक, दर्जनों हार्पून एंटी शिप मिसाइल, हजारों एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें एमरम मिसाइलें शामिल हैं, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम नेसेम्स, हजारों बख्तरबंद वाहन, 3 M270 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 82 होवित्जर गन, दर्जनों एंटी ड्रोन रडार। ये थोड़े से हथियारों के उदाहरण हैं जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को सप्लाई किया है। यह तथ्य है कि यूक्रेन एक दिन भी रूस के सामने नहीं टिक सकता अगर नेटो देश उसे हथियारों की आपूर्ति करना बंद कर दे। लेकिन ज़ेलेंस्की चूंकि जंग इसी शर्त पर लड़ रहे हैं कि उन्हें नेटो का समर्थन मिलता रहेगा क्योंकि वो नेटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जाहिर है नेटो देशों का कर्तव्य है कि वो ज़ेलेंस्की को पुतिन से बचाने के लिए हथियार सप्लाई करते रहें। लेकिन पुतिन के लिए ही सबसे बड़ी समस्या है और पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ब्रिटेन जैसा देश यूक्रेन को न सिर्फ हथियारों की खेप दे रहा है बल्कि यूक्रेन को कूटनीतिक मदद भी करता रहा है। पुतिन की इस धमकी के बावजूद कि जरूरत पड़ी तो वो लंदन को उड़ा देंगे। यूक्रेनी युद्ध तब तक लड़ता रहेगा जब तक नेटो देशों से उसे मदद मिलती रहेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन जैसे देश ज़ेलेंस्की को न सिर्फ हथियार मुहैया कराते हैं बल्कि ब्रिटेन की सेना यूक्रेन में फ्रंट पर भी लड़ रही है। ज़ेलेंस्की जिन हथियारों से पुतिन की नाक में दम किए हैं वो सारे हथियार उन नेटो देशों से ही मिले हैं। ऐसे 5 हथियार जो ज़ेलेंस्की की सेना के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, हमने इंटरनेट की मदद से तलाश करके आपके लिए उनकी रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें पहला है एटकैम्स। यूक्रेन के पास MGM-140 आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी एटकैम्स की कई बैटरियां हैं। इस मिसाइल सिस्टम को अमेरिका बनाता है। 1670 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। ये अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। अमेरिका ज़ेलेंस्की की जान है बिना उसके ज़ेलेंस्की को पुतिन पल भर में मसल देने की ताकत रखते हैं। लिहाजा रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका को नई धमकी दी है। ये धमकी क्या है आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए हथियार नंबर 2 जिसके दम पर ज़ेलेंस्की जंग जीतने का दावा करते हैं। एटकम्स के अलावा यूक्रेन फ्रांस ब्रिटेन में बनी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। एक मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम होता है। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है। ये एक सेकंड में 323 मीटर की दूरी तय करती है यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी। M142 हाई मास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाई मास, ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। हाई मार्स लॉन्चर्स को 85 किलोमीटर की रफ्तार से 480 किलोमीटर की रेंज तक ले जा सकते हैं। हाई मार्स रूस के हमलों को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के लिए बहुत काम का साबित हो रहा है। ऐसे ही बहुत कामयाब हथियार है पैट्रियट मिसाइल। पैट्रियट मिसाइल अमेरिका ने बनाई है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में किया जाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को पैट्रियट से ही मार गिराया। इसकी रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक है। जेवलिन मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक निशाना साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। जेवलिन मिसाइल 2500 मीटर तक सटीक निशाना साध सकती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट हथियार के नाम से जाना जाता है। ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम भरा हुआ है लेकिन इतना भी नहीं कि रूस के पास उसका तोड़ नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि 32 देशों का गुट है नेटो और सामने पुतिन प्रत्यक्ष तौर पर कम से कम अकेले हैं। रूस की फैक्ट्रियां दिन रात हथियार उगल रही हैं। बावजूद इसके कई ऐसी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि पुतिन के वेपन डिपो खाली हो रहे हैं। जाहिर है नेटो की ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई से रूस क्रोधित है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इंटरव्यू में कहा,
अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि रूस की रेड लाइन ऐसी नहीं है जिसे खिलवाड़ किया जा सके, और वे यह अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका का यह कदम रूस और अमेरिका के बीच गंभीर तनाव को बढ़ावा दे सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा और अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा तो रूस भी अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा, जो वैश्विक स्थिरता के लिए सही नहीं होगा। हाल के कुछ महीनों में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदर हमला किया है, जिसे रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ये हमले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर कुर्स्क को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कि वैश्विक स्तर पर यह संदेश गया कि रूस इस युद्ध में पिछड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन पर पुतिन के ताजा हमले कुछ और कहानी कह रहे हैं।